वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सीरेशन कैसे होना चाहिए इन सारी प्रैक्टिकल फाइल का। तो यहाँ पर इंडेक्स है ये, जिसमें आपको सबसे पहले अरेंज करनी है HSPQ फाइल, जो कि हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर आरबी केटल के द्वारा दिया गया था। देन सिमेंटिक डिफरेंशियल फाइल आ जाएगी, और उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस की फ़ाइल आएगी, और लास्ट में यहाँ पर सोशियोमेट्री फाइल आएगी। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट प्रैक्टिकल, जो कि आपका 16 PF का है, आरबी केटल के द्वारा दिया गया है। ये पर्सनालिटी टेस्ट है, HSPQ इसका नाम है, हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर, जो कि रैमेंड बी केटल के द्वारा दिया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप होल सोल फ्रंट पेज पे रखेंगे। उसके बाद थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यहाँ पर स्टार्ट होगा, जिसमें आप पर्सनालिटी का मीनिंग डिफाइन करेंगे। देन कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर आप देंगे, जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है ऑलपोर्ट के अनुसार। उसके बाद केटल ने डेफिनेशन दी है, पर्सनालिटी को डिफाइन किया है। देन टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी को डिफाइन करेंगे। तो थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर यहाँ पर कैटेगराइजेशन है, जिसमें एथलेटिक आ जाते हैं, फर्स्ट टाइप है यहाँ पर। देन एस्थेटिक टाइप आता है, पिकनिक टाइप आता है, और डिसफेस्टिक टाइप आता है। इसके बाद सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थ्योरेटिकल टाइप आ जाता है यहाँ पर, इकोनॉमिकल टाइप आता है, एस्थेटिक और प्रैक्टिकल आता है, रिलीजियस, सोशल, ये सारे टाइप्स यहाँ पर हो जाते हैं। देन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखेंगे, जिसमें तीन तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है जंग के अनुसार। उन्होंने सबसे पहले कैटेगराइज किया है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो पर्सन्स होते हैं जो बाहरी दुनिया में खोए रहते हैं, बाहर के लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस। इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो रिजर्व रहते हैं, अपने में ही खोए रहते हैं, जैसे कि फिलोसफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। उसके बाद एम्बीवर्ट आते हैं, जो दोनों का मिक्सचर होंगे। इसके बाद पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जिसमें फिजिकल ट्रेट्स आते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स आते हैं, इमोशनल ट्रेट्स आ जाते हैं, सोशियोबिलिटी ट्रेट्स आते हैं। देन यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड होगा, और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले आप बताएंगे टेस्ट का नाम, 16 PF, 16 पर्सनालिटी फैक्टर, HSPQ, ये जो है टेस्ट है। क्वेश्चनेयर किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, तो आरबी केटल के द्वारा ये टेस्ट दिया गया है। एम्स ऑफ टेस्ट के बारे में आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देन मटेरियल रिक्वायर्ड बताएंगे यहाँ पर, क्या क्या मटेरियल्स में रिक्वायर्ड हुआ है। तो सबसे पहले चाहिए यहाँ पर 16 PF की बुकलेट, जिसमें क्वेश्चंस होंगे। आंसर सीट चाहिए, जिसमें आप टिक करेंगे। स्टेंसिल की चाहिए, जिससे आप जो है यहाँ पर रॉ स्कोर को फाइंड आउट करेंगे। देन नॉर्म टेबल चाहिए यहाँ पर, जिससे स्टेन स्कोर को यहाँ पर निकाला जाएगा। देन डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट की डिटेल को फिल करेंगे। टेस्टर की क्या डिटेल्स हैं वो रखेंगे। टेस्टर का मतलब हो जाता है जो इंसान खुद कंडक्ट कराएगा वो। फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए जाते हैं पहले सब्जेक्ट को, कि आपको ये फॉर्म दिया जा रहा है, जो कि क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। 187 टोटल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है आंसर सीट पर। तीन ऑप्शंस होंगे हर एक के लिए, और हर एक क्वेश्चन आपको जो है अटेम्प्ट करना है। सही क्वेश्चन के लिए आप राइट टिक करेंगे यहाँ पर। ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है दिए जाएंगे, और 40 to 45, 60 मिनट्स का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। देन प्रिकॉशंस यहाँ पर लिखेंगे, तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस ली जाएंगी। सबसे पहले तो प्रॉपर डिटेल दी जानी चाहिए टेस्ट के बारे में। उसके बाद अरेंजमेंट देखना चाहिए कि प्रॉपरली है या नहीं।
और रिलेशनशिप कैसा है टेस्टर और सब्जेक्ट का, रूम देखना चाहिए कि जहाँ पर हमने सब्जेक्ट को बिठाया है वो प्रॉपर रूम होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, एरी होना चाहिए मतलब कि हवादार हो, वेंटिलेटेड हो, काम हो, शांत वातावरण में हो। देन प्रोसीजर क्या है यहाँ पर, तो प्रोसीजर में आप बताएंगे कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को क्वेश्चनेयर और आंसर शीट देते हैं, सब्जेक्ट ने सारे क्वेश्चंस को रीड किया, देन उनके आंसर्स में टिक जो है पुट किया है रिस्पांस में, और कंप्लीट करने के बाद बुकलेट जो है हैंडओवर करती है टेस्टर को। फिर यहाँ पर स्कोरिंग के बारे में बताया जाएगा, रॉ स्कोर और स्टैंडर्ड स्कोर, स्टेन स्कोर कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो स्कोरिंग की जाएगी वो स्टेंसिल की के द्वारा की जाती है। स्टेंसिल की को सबसे पहले फिक्स किया जाता है, स्टार मार्क जहाँ पर होता है आंसर शीट पर, उसमें से जितने भी टिक वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको काउंट करेंगे हम सारे ही फैक्टर्स के लिए, यहाँ पर 16 फैक्टर्स जो दिए गए हैं इनके लिए, और उसके बाद उनके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर रॉ स्कोर लिखते हैं। तो ये रॉ स्कोर हमको फाइंड आउट हो जाता है स्टेंसिल के थ्रू। देन यहाँ पर सारे रॉ स्कोर मिल जाएंगे, दो स्टेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद रॉ स्कोर्स मिलते हैं। देन नॉर्म टेबल को देखते हैं जिससे कि स्टेन स्कोर हमें मिल जाता है रॉ स्कोर के बेसिस पर। फिर कन्वर्ट कर लेते हैं स्टेन स्कोर को प्रोफाइल सीट पर, तो प्रोफाइल सीट एक दी जाती है यहाँ पर सब्जेक्ट को, जिसमें सब्जेक्ट स्टेन स्कोर के अकॉर्डिंग फिल करता है पर्सनालिटी ट्रेट्स को, जो कि 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स दिए गए हैं आरबी कैटल के द्वारा, जो डिफाइन करेंगे यहाँ पर पर्सनालिटी के ट्रेट्स को। देन सेकंड ऑर्डर स्कोर यहाँ पर बताया गया है, के बाद आप डेटा को प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर कि क्या फैक्टर्स हैं और उनका क्या रॉ स्कोर आया है और स्टेन स्कोर आपने क्या कैलकुलेट किया है। तो ये सारे रॉ स्कोर और स्टेन स्कोर यहाँ पर आप बताएंगे सारे ही फैक्टर्स के लिए A2Q4। देन आप ये आंसर सीट यहाँ पर लगाते हैं, ये यहाँ पर स्टेन स्कोर हैं और ये यहाँ पर रॉ स्कोर है। तो इस तरह से रॉ स्कोर और स्टेन स्कोर यहाँ पर दिया गया है साइड में, और टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आंसर सीट में 187 थे। तो इस तरह से ये जो सीट है आंसर सीट इसको कहते हैं, ये आपके सब्जेक्ट को जो है फिल करनी है, देन आप इसमें रॉ स्कोर निकालेंगे और स्टेन स्कोर निकालेंगे। इसके बाद ये प्रोफाइल सीट है जो कि स्टेन स्कोर के बेसिस पे सब्जेक्ट यहाँ पर फिल करता है कि क्या जो है प्रोफाइल आ रही है सब्जेक्ट की। तो इन स्टेन स्कोर के बेसिस पे जो टेस्टर है वो यहाँ पर फिल करेगा और पर्सनालिटी के ट्रेट्स को देखेगा। फिर यहाँ पर ये हो जाता है कि जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो इस तरह से डिफाइन होंगे, 5 के इधर जितने भी नंबर्स आएंगे जैसे कि 1-4 में जो नंबर आएगा वो ये डिफाइन करेगा कि ये सारे लो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, और 5 के अबव जब हम जाएंगे तो उसमें हाई पर्सनालिटी ट्रेट्स आ जाएंगे जो इधर दिए गए हैं आपको, और 5 से लेकर 6 के बीच में जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स आते हैं वो एवरेज में काउंट किए जाते हैं। तरह से ये प्रोफाइल सीट है यहाँ पर जो कि आपके सब्जेक्ट की पर्सनालिटी ट्रेट्स को यहाँ पर डिफाइन करेगी। तो इसमें स्टेन स्कोर के अकॉर्डिंग हम इसको फिल कर लेते हैं। देन यहाँ पर आपको एक सीट मिलती है 16 PF के लिए जो कि सेकेंड ऑर्डर स्कोर होती है, तो फीमेल अगर आपका सब्जेक्ट है तो फीमेल के लीजिएगा और मेल अगर आपका सब्जेक्ट है तो मेल की लीजिएगा। तो इसके बेसिस पे यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर स्केल जो है बतानी होगी आपको, जिसमें एक्स्ट्रावर्जन, एंग्जाइटी,
टफ पॉइजन और इंडिपेंडेंस के बेसिस पे यहाँ पर पर्सनालिटी को डिटरमाइन किया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ए से लेकर Q4 तक है। यहाँ पर स्टेन स्कोर जो है वो यहाँ पे जो नंबर दिया जाएगा उससे मल्टीप्लाई करके जो बॉक्स पहले होगा उसमें लिख दिया जाएगा, वही जो है एक्स्ट्रावर्जन का हो जाएगा। एंजाइटी पे आएगा, जैसे ये एंजाइटी पे आया तो ये एंजाइटी का है, देन ये यहाँ पर टफ पॉइजन में आया तो इसका है, टफ पॉइज में आया तो इसका हो जाएगा। ये सारा काम आपको Q4 तक करना है। इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को, तो जो एक ही लाइन में होंगे उनकी वैल्यू सबसे ऊपर रखेंगे यहाँ पर, देन ये जो सेकेंड लाइन है थोड़ी सी साइड में इसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर नीचे रखते हैं, देन इसको माइनस कर लेंगे और वैल्यू यहाँ पर डिटरमाइन कर लेंगे। सबके लिए सेम चीज़ यहाँ पर करनी है। देन ये वैल्यू जो आएगी लास्ट में वो डिफाइन करती है एक्स्ट्रावर्जन को, एंगजाइटी को, टर्ब पॉइज को और इंडिपेंडेंस की वैल्यू को, जिसको आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। देन वो जो वैल्यू आएगी उनके बेसिस पे हम यहाँ पर सेंटाइल्स देखते हैं। तो इनमें सेंटाइल्स को देखने के लिए जो स्कोर आएगा उन्हीं के सामने के सेंटाइल्स जो है हम मार्क कर देंगे। जैसे ये आया यहाँ पर 1.7 वहाँ पर एक्स्ट्रावर्जन में, तो इसका सेंटाइल हो जाएगा 2.9। इस तरह से सब के लिए यहाँ पर देख लेंगे और यहाँ पर सेंटाइल मार्क कर लेंगे। ये सेंटाइल की पूरी टेबल हो जाती है। देन सेकेंड ऑर्डर स्कोर यहाँ पर फीमेल के लिए बताएंगे। इसको जब डिफाइन करते हैं यहाँ पर, तो इस स्पेस में हम यहाँ पे बताएंगे कि जो एक्स्ट्रावर्जन है और जो एंजाइटी है और जो टफ पॉइज है और इंडिपेंडेंस है, नेक्स्ट इंडिपेंडेंस, तो इनकी वैल्यू क्या आई है। इनकी वैल्यू सेकेंड ऑर्डर स्केल में अभी जो आपको बताया गया है वो वैल्यू है। जैसे कि इसमें -6.9 कुछ वैल्यू आई थी, इसमें भी माइनस में आई थी और इसमें -8 आई थी और इसमें 0 आई थी। तो जो जो वैल्यू होगी वहाँ यहाँ पर पुट कर देंगे और इस चीज़ को जो है यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ये जो वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है वो लानी है इससे, ये जो सीट है यहाँ पर सेकंड ऑर्डर स्केल की, जो कि आप इनटू कर और उसके बाद माइनस करके तब यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर लास्ट में आई हैं वो यहाँ पर लिखी जाएंगी एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, तो रिज़ल्ट का इंटरप्रिटेशन करना है हमें। रिज़ल्ट में हम बताएंगे, तो रिज़ल्ट जो आपको बताना होता है वो प्रोफाइल सीट के अकॉर्डिंग बताना है सब्जेक्ट का। प्रोफाइल सीट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रेट बच्चे में सब्जेक्ट में हाई है और कौन सा ट्रेट लो में है। जैसे कि लो यहाँ पर रिफ्लेक्शन है पर्सनालिटी ट्रेट्स का, लेकिन हाई इंटेलिजेंस है बच्चे में और हम्बल माइंड है वो, शाई नेचर का है, रिलैक्स्ड नेचर का है, रिजर्व नेचर का है। तो ये सारी चीज़ें जो उसके ट्रेट में आई होंगी जो आप प्रोफाइल सीट में मेंशन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ट्रेट्स को डिफाइन करेंगे रिजल्ट में। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट यहाँ पर आता है, तो एक एक फैक्टर कर आप 16 फैक्टर्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो फैक्टर फर्स्ट सबसे पहले बताएंगे ए, जिसमें जो ट्रेड आएगा उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। फैक्टर बी यहाँ पर डिफाइन करेंगे, लो डिस्क्रिप्शन में है तो लो डिस्क्रिप्शन के ट्रेड्स को डिफाइन करेंगे और हाई डिस्क्रिप्शन में है तो हाई डिस्क्रिप्शन के ट्रेड्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देन फैक्टर सी आता है, फैक्टर ई, एफ, जी, उसके बाद फैक्टर एच आ जाता है, देन आई फैक्टर आता है यहाँ पर, देन नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पर हो जाता है एल, फिर एम है, एन है और उसके बाद ओ है, Q1 आ जाता है, Q2 है, देन Q3 है और लास्ट फैक्टर यहाँ पर हो जाता है Q4, जिसमें आप पर्सनालिटी जो लो डिस्क्रिप्शन में है तो लो को डिफाइन करेंगे और हाई डिस्क्रिप्शन में है तो हाई को डिफाइन करेंगे।
इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। यहाँ पर कंक्लूजन में आप ट्रेड्स के अकॉर्डिंग ही कंक्लूजन देंगे बच्चे का, सब्जेक्ट का। तो हाई इंटेलिजेंस है तो उसके यानी कि जो 16 फैक्टर्स आए हैं, 16 फैक्टर्स में उस बच्चे के क्या ट्रेड्स निकले हैं वो कंक्लूजन में आप डिफाइन कर देंगे। अपसेट होता है इजिली या रिजर्व नेचर का है, हम्बल माइंड का है, शोबर है, एक्सपीडियंट है, साई नेचर का है, फ्री माइंडेड है, जेलस से फ्री है, कॉन्फिडेंट नेचर का है, नेचुरल है, साउंड फॉलोअर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंक्लूजन में आएंगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ट्रेड्स। देन लास्ट में आप एजुकेशनल इम्प्लिकेशन लिखेंगे। HSPQ टेस्ट जो क्यों कंडक्ट किया जाता है, इसका एजुकेशनल इम्प्लिकेशन क्या है, शैक्षणिक इसमें भूमिका क्या होती है। तो फॉर पेरेंट्स के लिए ये क्यों बेनिफिशियल होता है वो बताएंगे। देन टीचर्स के लिए क्यों बेनिफिशियल है वो डिफाइन करेंगे। फिर स्टूडेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल है ये, इसके बाद लास्ट में आप रेफरेंस दे देंगे यहाँ पर। तो कंपलसरी 3 बुक का आपको रेफरेंस यहाँ पर देना है क्योंकि ये साइको प्रैक्टिकल है। इस तरह से आपकी HSPQ की फाइल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू एवरीवन।